प्यारे विश्वासी भाई बहनों जो एल शदाई परिवार में और सारे सार्वत्रिक मंडली में हैं, आप सबों के साथ ये दुख की घड़ी में, क्योंकि हमारे प्रिय आदरणीय टेंडुप मामा, जिनको मैं मामा कहता था, आज हमारे साथ ना रहे, पर हम जानते हैं प्रभु के पास है। पर उनका यहाँ से विदा होना हमारे लिए दुखद है, और ऐसी घड़ियों में मैं आप सबों के साथ प्रार्थना में खड़ा हूँ, और प्रभु हमें सांत्वना दे। जैसे भजन संगीता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और साथ साथ प्रकाशित उसके 14:13 में लिखा है कि अब से जो प्रभु यीशु में मरते हैं वो धन्य है। और प्रभु का वचन ही हमें सांत्वना देता है। पर जब मैं याद करता हूँ टेंडू मामा के जीवन को, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक बड़ा चुनौती वाला जीवन उनके पास था, एज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के सेवक के समान। और मैंने तो बहुत पहले से उनको पहचाना है, मैं तो छोटा था, पर शायद 1970s की बात होगी, जब बक्सिंग अंकल और जॉर्डन अंकल और हमारे पापा फिलिप अंकल, मार्टिन अंकल, इन लोग सब वो ऊपर के रूम में जमा होते थे और खाना खाते थे, तब टेंडुप मामा खाना बांटते थे उन लोग को, और तब मुझे भानी बोलकर बुलाते थे। और उसके बाद मैं जानता हूँ जैसे जैसे समय बीता, वो फुडोंग बड़ा के साथ प्रभु की सेवा में, और जब फुडोंग बड़ा बीमार, तब उनके बीमारी बिस्तर में उनके साथ और उनकी सहायता रात रात जाग कर करते थे, मैं ये देखता था। और फुडोंग बड़ा के प्रभु के पास जाने के बाद उनने सारी जिम्मेदारी संभाली, और उनकी जो काम करने की रीत बहुत ही अद्भुत थी। मुझे लगता है कि ये प्रभु का ज्ञान ही था, जिस ज्ञान ने इतना विशाल और भव्य प्रभु के काम को संभालने के लिए उनकी सहायता की थी, और हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में, पैसों के विषय में, सारी बातों में इतना विश्वास हो, और उनका प्रेम अद्भुत था। ही वॉज रियली ए मैन ऑफ गॉड, और सब कुछ बहुत ही विजडम के साथ, बड़े परमेश्वर के ज्ञान के साथ वो करते थे और प्रार्थना सहित करते थे, और हमेशा उपवास प्रार्थना ये उनका बहुत ज्यादा जोर रहता था, और सबों को लेकर उपवास प्रार्थना में हमेशा जुटना, और सबों को लेकर चलना, दुखी हो उनका कैसे ध्यान देना, कोई गरीब है उनका कैसे ध्यान देना, और किसकी क्या नीड है उन बातों पर ध्यान देना, ये सब कुछ उनके अंदर था। ऐसा नहीं कि वो बस ऐसे ही कुछ भी करते थे, बहुत ही सोच समझ कर करते थे। और खुद मैंने देखा, बहुत ही नम्र और बहुत ही डाउन टू अर्थ, क्योंकि न तो उनके कपड़ों में कोई बड़ा भपका होता था, सिंपल कपड़े पहनते थे, और हमेशा दौड़ धाम, सुबह से लेकर शाम तक, होली कॉन्वोकेशन का समय हो या और कोई समय हो,
प्रचार में लेकर जाना, मीटिंग, कॉटेज मीटिंग में लेकर जाना, ये सब कुछ रिमार्केबल था उनका। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे जो प्रभु के बड़े बड़े जो सिपाही, सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट, हमें अब मिलना बहुत ही मुश्किल है। उनका ये जो जाना मंडली के लिए एक बड़ा लॉस, खाली जगह हो गई है, और ये जगह को मुझे नहीं लगता कि कोई भर सकता है। तो इसीलिए प्रभु हम सबको ही बोझ दे कि ऐसे प्रभु के लोगों का नमूना हम देखकर काम आगे बढ़ाते जाएं, संभालें, और खास करके माईजू के लिए, जमीमा के लिए और सारे अलशदाई फैमिली के लिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु एक एक को बड़े सांत्वना से और अपनी शांति से प्रभु भरे। हम जरूर उनको मिलेंगे, हमारी आशा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें लेने आऊंगा और मैं ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम रहो। सो हम रहेंगे प्रभु के साथ सब युगानुयुग, बड़ा आनंद का समय होगा। ये थोड़ा समय है वियोग का, जुदाई का, प्रभु इस समय में हमारी सहायता करे। सो इन थोड़े शब्दों से मैं अंत करता हूँ, और प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम उनको बड़ा आदर के साथ विदाई दे सकें।